हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरिफ ब्लॉग। दोस्तों, आप लोग गूगल तो जरूर यूज़ करते होंगे। गूगल में जो ऐप होते हैं, ये यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, तो दोस्तों गूगल में आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या आपको पता है कि ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती हैं। तो चलिए दोस्तों, कहाँ पर रिकॉर्ड होती है, कैसे रिकॉर्ड होती है और कैसे इसको ऑफ करनी है एक्टिविटी अपनी। आप गूगल में कुछ भी एक्टिविटी करते होगे दोस्तों, वो सब कुछ आपकी लिस्ट बाय रिकॉर्ड होती है। तो चलिए दोस्तों, आप पता करते हैं कैसे रिकॉर्ड होती है दोस्तों, कैसे उसको ऑफ करना है, कैसे उसको डिलीट करना है कि मैं जो भी अपने गूगल में कुछ भी देखूं तो वो रिकॉर्ड में ना हो। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। जाने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लीजिए, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल सा मेथड है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको करना यह है कि दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है माई एक्टिविटी। दोस्तों आ गया, जैसे मैंने टाइप किया माई, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ऊपरी आपको लिखा हुआ दिख रहा है माई एक्टिविटी, ये देखिए दोस्तों, ये इस वाले में आपको टाइप कर देना है माई एक्टिविटी में। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है आपके गूगल के जितने भी ऐप आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, जितने भी आप यूज़ करते हैं उनकी सब की एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए, ये सब की सेटिंग आपको ऑफ करना है, ये सब की एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब की एक्टिविटी आपको दिखाता है। YouTube हिस्ट्री आपको दिखाएगा, लोकेशन आपको हिस्ट्री दिखाएगा और आप कोई भी ऐप की एक्टिविटी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों इसको कैसे ऑफ करना है और कैसे डिलीट करना है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी हिस्ट्री आ रही है खुल के, ये देखिए YouTube है ये, बाकी मैंने ऑफ कर रखा था आपको दिखाने के लिए, ये मैंने अभी ऑन किया है। तो एक मैंने YouTube चला लिया था जिससे कि हिस्ट्री मैं आपको बता सकूँ, ये पहले मेरी ऑफ थी। तो चलिए दोस्तों, कैसे ऑफ करना है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर कैसे पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि एक एक वीडियो ना करके पूरी एक साथ कैसे हिस्ट्री आपको डिलीट करनी है ये भी आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको पहले ऑफ करना बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरो बन रहा है, एरो आ रहा है ये वाला, सबसे पहले इस एरो पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। ये वाला जो एरो आ रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही एरो पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, वैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑफ का बटन आ रहा है ये वाला, इस पर आपको ऑफ कर देना है इसको। दोस्तों जैसे ही ऑफ करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए पुश का बटन आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों पुश का बटन आ रहा है, यहाँ पे आपको पुश कर देना है। यहाँ पे आपको जो है पुश कर देना है, यहाँ पे मैंने पुश कर दिया इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके कर देना है, यहाँ पे दोस्तों आपको ओके कर देना है, ये मैंने ओके कर दिया दोस्तों। अभी देखिए मेरे को यहाँ से आपको फिर वापस चला जाना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी हो गया एक्टिविटी ऑफ हो गई दोस्तों। ठीक उसी तरीके इस लोकेशन की भी अपनी हमको ऑफ कर देना है। उसके बाद आना है इसको, हमको इसके ऊपर आना है, इसको हमको ऑफ करना है। उसके बाद दोस्तों पुश बटन आ रहा है, पुश पे हमको करना है। इस पे हमको क्लिक करना है, पुश पे करने के बाद दोस्तों ये ओके लिख के आ रहा है, ओके पे हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये भी आपकी ऑफ होगी। उसके बाद दोस्तों ठीक इसी तरीके आपको YouTube में भी करना है दोस्तों, इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों पुश आ रहा होगा, पुश कर देना है। इसके बाद दोस्तों डिलीट ओल्ड एक्टिविटी को ओके कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, तीनों जो है आपकी ऑफ हो गई हैं,
यहाँ से तीनों ऑफ हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको एक्टिविटी डिलीट कैसे करनी है पूरी की पूरी एक बार में, ना कि एक एक करके। ये मेरी एक दिखा रहा है दोस्तों ये आपको एक्टिविटी, अगर आप खोलेंगे, अगर आपने ये चीज़ ऑफ नहीं कर रही होगी तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो उन सबको एक साथ कैसे डिलीट करनी है तो चलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आ जाना है और ये बॉक्स में आपको देख रहे हैं डिलीट, आपको इसको टच करना है। इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो लिख के आ रहा है कस्टम रेंज, लास्ट आवर, तो दोस्तों यहाँ पे ऑलवेज पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक किया आ रहा है ऑलवेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑलवेज मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, ये देखिए सब पे टिक लगा। जिस चीज़ की हिस्ट्री आपको डिलीट करनी है यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। चॉइस विथ सर्विस टू डिलीट एक्टिविटी फॉर्म, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर देखो लिखे लिख के आ रहा है वेलकम टू माय एक्टिविटी 24 अक्टूबर 2021। उसके बाद 24 अक्टूबर यानी आज की हिस्ट्री जो है, आप यहां से ये बटन आ रहा है, यहां से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहां से मैंने डिलीट मार दिया और दोस्तों यहां पे ओके देखिए आ गया, यहां से आपको ओके कर देना है। ये देखिए दोस्तों ओके हो गई। अब देखिए यहाँ पर मेरी सारी हिस्ट्री ऑफ हो गई एक साथ में। दोस्तों आपको एक एक करके नहीं करनी है, आपको एक साथ में कर देनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके दोस्तों।